जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं किया। राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया। कांग्रेस ने युवाओं को हर महीने 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया। परिवार की बुजुर्ग महिला को 3000 की सहायता दी। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले पवन खेड़ा, कांग्रेस पर जनता को भरोसा, हमने राजस्थान हिमाचल सब जगह गारंटी लागू की। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाना कांग्रेस का मकसद, प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा का बयान। 370 की बहाली के लिए लड़ते रहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। फारूक अब्दुल्ला पर जमकर बरसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी, बिजबेहरा पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती का बयान। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, गृहमंत्री अमित शाह की दो टूक। बीजेपी चुनाव प्रभारी राम माधव का बयान, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और परिवारवाद से मुक्त कराना होगा। चुनाव प्रभारी राम माधव ने किया दावा, कश्मीर में बीजेपी का खाता जरूर खुलेगा, हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी सरकार, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। अम्बाला कैंट में प्रचार के लिए पहुंचे अनिल विज का किसानों ने किया विरोध, कहा गोलियां चलाने वालों को चुनाव में देंगे सबक। जनता ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने का मन बना लिया, चुनाव प्रचार के दौरान बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का अटैक, कहा हरियाणा के लोग बीजेपी की नीतियों से परेशान। हरियाणा चुनाव के लिए तैयार आम आदमी पार्टी, संदीप पाठक बोले एक एक गांव में चुनाव प्रचार करेगी पार्टी। भ्रष्टाचारी सरकार से महाराष्ट्र को बचाना एमबीए का लक्ष्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। मुंबई में एमएनएस नेताओं और महासचिवों की बैठक, राज ठाकरे के बेटे अमित को चुनाव लड़ाने की मांग की। अमित ठाकरे ने चुनाव लड़ने पर जताई सहमति, आखिरी फैसला राज ठाकरे लेंगे। शरद गुट के नेता जितेंद्र अवार का बयान, चुनाव के बाद सीएम के नाम पर होगी चर्चा, देश को एक नए नेतृत्व और सरकार की जरूरत, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान।